जब भी शिमला का ख्याल मेरे मन में आता है, मैं अपने हनीमून की यादों में खो जाता हूँ। 20 साल पुरानी यादें, वक्त बदल गया, सड़कें वही हैं, शिमला वही है। तो इस बार की कुछ यादें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस बार मेरा बेटा भी मेरे साथ था। तो बने रहिए, अगले कुछ पल तक मैं आपसे अपनी यादों को शेयर करना चाहता हूँ जो हमने शिमला में एंजॉय किया। थैंक यू। बड़ी ही नॉस्टैल्जिक टाइप की फीलिंग आ रही है। वक्त बदल गया, 20 साल गुजर गए, मगर थोड़ा सा मुझे इस बार चेंज लगा कि लोग वेस्टर्न क्लोथ बहुत पहनना शुरू कर दिए। उस वक्त कोई वेस्टर्न क्लोथ पहना करता था, आज उल्टा है, कोई ट्रेडिशनल क्लोथ पहनता है, सारे के सारे वेस्टर्न ड्रेस ज़्यादा पहन रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस रास्ते को आप देख रहे हैं, ये रास्ता शिमला का जो मेन पॉइंट है, जहाँ पर ज़्यादातर कपल इकट्ठा होते हैं, जैसे माल रोड और कई सारे रोड वहाँ जाकर मिलते हैं, वहाँ जा रहा है। वो बड़ा एक रोमांटिक प्लेस है, वहाँ ज़्यादातर कपल्स इकट्ठा होते हैं और एक बड़ा सा मैदान टाइप का है। एक वक्त था जब मैं और मेरी बीवी, हम 23 और 24 साल के थे, इस सड़क पे घूमे थे। वो सारी यादें दिल को कुरेद रही हैं। अटल वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी, वहाँ पे गांधी जी हैं, थोड़ा दूर है। और ये जो है वो सामने चर्च, ये अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ चर्च है। इसी चर्च के नाम से ये जगह फेमस है। ये एक बहुत बड़ा सा एक मैदान टाइप है, यहाँ पे व्हीकल अलाउ नहीं है, तो ज़्यादातर जो शिमला घूमने आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर घूमना चाहते हैं और यहाँ बैठना चाहते हैं, शाम को चिल करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत रोमांटिक सा प्लेस बन जाता है। मैंने आपके साथ शेयर किया, अच्छा लगा, हो सकता है आपको पसंद आया हो। मास्क लगा दो, चलान कर रहे हैं। मास्क लगा लेगा कह रहा है। मास्क लगाना। इस जगह को देखकर एक बात याद आ गई। असल में रीना का फास्टिंग था, यह हनीमून के दिनों की बात है, और हम लोग यहाँ पर खाना खाने आए थे, तो रीना ने आलू और दही मांगे थे। इन लोगों ने भी फास्टिंग का सम्मान करके आलू और दही बहुत ही प्यारे टेस्टी स्वाद के साथ बनाए थे। पुरानी यादें, वही टेबल्स, मगर ये बड़ी प्यारी सी लोकेशन पर रेस्टोरेंट है। ये एक राउंड बिल्कुल गोल तरीके का रेस्टोरेंट है। बाहर से मैं दिखाऊंगा तो पता चलेगा आपको। जीवन में बहुत बार मन करता है कुछ पुरानी चीज़ें रिपीट की जाएँ और पुरानी चीज़ों को दोबारा से जिया जाए, और वही आज कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारी नई चीज़ें हैं घूमने के लिए, मगर एक बार जहाँ आप घूम चुके हो और वो भी अपने वाइफ के साथ हनीमून पे, तो दोबारा वहाँ आने का एक अलग ही मज़ा है। ना शिमला की ठंड और ऊपर से बारिश,
तो अब आप समझ लो कि क्या हालात हो रहे होंगे यहाँ ठंड की वजह से। रीना तो पूरी ढक गई। सुनो लो खींच लिया तुम्हारा फोटो, मुंह पे से मास्क तो हटाओ तभी तो खींचो। तुम्हें सबसे ज्यादा ठंड लग रही है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, हमारी यादों में शामिल होके अच्छा लगा होगा। तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी चैनल को जैसा सपोर्ट मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। फिर मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग में, शिमला सीरीज़ का पार्ट 2 में भी ये अगले ब्लॉग का नाम होगा। मिलेंगे आपके साथ, रहेंगे आपके साथ। थैंक यू।